बेस बितावा बने थे बेशर्मो बेशर्म नहीं तो कह रहे हो कि वहां पे 1.5 साल से था, अभी तक क्या मर गए थे, आज जिंदा हुए हो एक बेटी की जान जाने के बाद। बेशर्म लोग, हर दिन बेटी मारी जाती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री चीता लाया, इसका नाम क्या रखोगे? हम बोले नाम नरेंद्र, अमित, रामनाथ, रखोगे नाम? बेशर्मो, अब माता का नाम रखो स्मृति, रुपका इलाकात रख दो नाम। बेशर्म लोग, चीता का नाम रखने में यहाँ बहन बेटी की इज्जत नहीं बचा पा रहे हैं। एक चीज बता दें, नूपुर शर्मा में भी आपने कहते हटा दिया पार्टी से, पार्टी से हटा दिया ना, और जितने बच्चे लोगों को गिरफ्तार कर लिया, वो जिसका मकान धुला वो आपने हटा दिया। और एक नेक काम कर दिया क्या? पहले हटा दिए होते जो दलित भाई हमारे अम्बेडकर को मानते हुए, बुद्ध को मानते हुए, आज हम उनसे अच्छे दलित मानते हैं। फिर प्रवक्ता है भाजपा के गौरव भाटिया, उनसे लोग पूछ रहे हैं कि बिल्किस बानो को आरोपी को छोड़ना संस्कार है, तो करें आप भी देखो, मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही है, पब्लिक उनको पछड़ गई। लेकिन देश के प्रधानमंत्री महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, नहीं नहीं वो चीता लाने की बात करते हैं। मोदी लाया चीता, आ गया है चीता और हो रहा है रेप। बेशरम लोग लड़कियों से कहते हैं कि भैया कोई वीआईपी गेस्ट आ रहा है। कौन से वीआईपी गेस्ट, उसका नाम बताएं। अभी आपने देखा बुलडोजर चल गया, एक त्यागी में चला है, इनके में चला है, कौन सबूत मिटाएगा ये बताएं पहले। देखिए बेटियों ने अभी, कल एक न्यूज़ देख रहा था NDTV में, एक बच्ची चीख के रोई, उस दर्द को अगर आप समझिए तो क्या अंकिता, जब वहाँ उसको फेंका गया होगा, उसको मारा गया होगा, कि वो दर्द वो महसूस नहीं की होगी? पानी इतना गया था कि अगर वो बीच में ना रुकती तो वो लाश बह जाती, मिलती ही ना। आज मंत्री कह रहे कि मेरे बेटे ऐसा नहीं कर सकते, स्मिता ने ही बोल दिया था कि मेरी बेटी भी बीप उप नहीं बेच सकती। आज लगातार बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, चाहे हाथरस हो, चाहे लखीमपुर खीरी हो, चाहे बदायूं हो, चाहे मुरादाबाद हो, लेकिन देश के प्रधानमंत्री महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, नहीं नहीं वो चीता लाने की बात करते हैं। मोदी लाया चीता, आ गया है चीता और हो रहा है रेप। अब आज देश की सारी समस्याएं, सारी बहन बेटियों का दुख दर्द आदमी भूल चुका है। कहाँ गए वो लोग? क्या है वो हिंदू संगठन जो आए थे कन्हैया के लिए और भी बहनों के लिए, क्या वो अब निकलेंगे घरों में? चूड़िया टूटेगी हाथों से कि चूड़िया पहन लिए हो भाजपा का नाम सुन के? इसका मतलब कि तुम दलाल लेते थे, पैसा लिया करते थे दलित को मारने के लिए, आदिवासी को मारने के लिए, मुस्लिम को मारने के लिए। उस बेटे के लिए कौन संगठन आया? क्या RSS आ गया? विश्व हिंदू परिषद कहाँ है? बजरंग दल कहाँ गए? एक मिनट, तो आगे आई है ना, धामी जी तो आ गए हैं। धामी जी को धम जाए, उनको तो खुजली होती रहती है, उनकी तो कई वीडियो वाले खुजली करते रहते बेचारे। हम कहते इस गार्ड लगाओ, नहीं माने थे। सुनिए, अरे तो सबूत मिला दिए गए, सबूत था उसमें, उस रेस्टोरेंट में कितने सारे रूम बने थे, क्या उसमें बेस्या खाना खुला था, क्या था, वो सबूत मिटाया गया है कि मंत्री के बेटे को बचा ले। ये केस तो अवैध था, इसलिए बुलडोजर चला है। अब तो अवैध था तो अब तक क्या आंखें पट्टी थी? बीस बितावा बने थे बेशर्मो, बेशर्म नहीं तो कह रहे हो कि वहां पे 1.5 साल से था, अभी तक क्या मर गए थे, आज जिंदा हुए हो एक बेटी की जान जाने के बाद। बेशर्म लोग, हर दिन बेटी मारी जाती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री चीता लाया, इसका नाम क्या रखोगे? हम बोले नाम नरेंद्र, अमित, रामनाथ, रखोगे नाम? बेशर्मो, अब माता का नाम रखो स्मृति, रुपका इलाकात रख दो नाम। बेशर्म लोग, चीता का नाम रखने में यहाँ बहन बेटी की इज्जत नहीं बचा पा रहे हैं। क्या जा रही है इसमें हिम्मत? आज कहते थे प्रधानमंत्री रुपया गिरता है तो चरित्र गिरता है, आज तो बेटियों की तरफ से भी आपका चरित्र गिर गया। ना दलित बच्ची सेफ है, ना मुस्लिम सेफ है, ना हमारी बेटियां सेफ है। आज इज्जत तो हम अपने बेटे को पढ़ा नहीं सकते? बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, अरे पटाओ बोले थे पटाओ, और तुम्हारे नेता के लड़के पटा पटा के मार रहे हैं। एक चीज बता दें, नूपुर शर्मा में भी आपने कहते हटा दिया पार्टी से, पार्टी से हटा दिया ना, और जितने बच्चे लोगों को गिरफ्तार कर लिया, वो जिसका मकान धुला, वो आपने हटा दिया। और एक नेक काम कर दिया क्या? पहले हटा दिए होते, पहले अवैध था, पहले हटाते जब तक रेस्टोरेंट में। एक मिनट, निष्क्रिया से फिर आप लेके आएंगी, वो तो इसीलिए किया है ना जिससे कि प्रधानमंत्री का मुंह में दही जमी है क्या? चीखते थे 14 के पहले हमने शेर देखा था,
अब तो हमें लगा भीगी बिल्ली, वही वाला हाल है उनका। सुनिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था घर से निकलना, वोट देने, नाश्ता करना, क्योंकि इसके बाद तुम्हें 5-5 किलो राशन में हम भिखारी बनाएंगे, और निर्भया का चेहरा देखना। मैं आज चश्मा उतारता हूँ तो मैं फोटो लगाया हूँ जितने लोगों का रेप हो चुका है अब तक, 18,000 कुछ रेप हो चुके हैं इंडिया में, मैं सबको देखता हूँ। तो बताओ 18,000 बार मैं वोट ना दूँ मोदी जी को, तो मोदी जी मर जाएंगे, फिर प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, या मैं मर जाऊँगा। तो मैं भाई हर आदमी की एक लिमिट होती है जीवन का, तो बताइए उनको वोट देने लायक है? 18,000 जिस देश में रेप हो चुका हो, जहाँ पे दलित मुसलमान के शोषण की बात आती हो, तब इनके मुसलमान, अरे ठीक है वो तो उनका चरित्र ऐसा होता है। एक मिनट सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए आप लोग। पंडित जी नहीं, आपको मिलता होगा 15 लाख, हमें नहीं मिला है। अगर एक गरीब को 15 लाख दे दो गिनने को ना, तो वो खुशी के मारे मारे अटक आ जाएगा उसको 15 लाख गिनने में। दिमाग मत लगाइए। जब प्रधानमंत्री जी बेटियों की बात करते हैं लाल किले से कि नारियों का सम्मान करना चाहिए, भाई करना चाहिए, और उनकी आवाज़ बताते हैं कैसे। आप लोगों को मित्रों, बहनों का, माताओं का सम्मान करना चाहिए। अब मालूम चला 11 बलात्कारियों को संस्कारी बताया गया, वो ब्राह्मण थे, इसलिए हम उनसे अच्छे दलित मानते हैं। फिर जो दलित भाई हमारे अम्बेडकर को मानते हुए, बुद्ध को मानते हुए आज तक हमारी साथ चल रहे हैं ना, इस ऐसे लोगों को हम अच्छा मानते हैं। भाजपा ने उनको अपना लिया अपने पास से। अब आज बेटियां मर रही हैं, भाजपा के नेता चुप है। आज पूरा उत्तराखंड जल रहा है, मुख्यमंत्री का इस्तीफा, 1 करोड़ रुपए की मांग, और उसके परिवार को सुरक्षा तत्काल ये प्रधानमंत्री दिलवाए। और प्रधानमंत्री अगर की बात नहीं बोलेंगे तो मैं सभी महिलाओं से अनुरोध करता हूँ कि जूता, चप्पल, डंडा, बेलना सब लोग आप लेके आइए, कहाँ पे संसद भवन, और उसको दिखाइए, कुछ करिए मत। असल में ऐसा है, उनके लिए तो मुझे एक ही चीज आती है, शादी भाई बहू थी, पहले वो शेर थी, अब भीगी बिल्ली बन गई हैं। जब रेस्टोरेंट का मामला आया था ना, चीख के आई थी, ऐसे ही माइक लगे थे, मेरे परिवार का एक भी आदमी नहीं आए, मैं कसम खाती हूँ। उसकी कसम की क्या औकात, अपा चला उनके पति के नाम पे वो निकला। और स्मृति ईरानी, अगर आज एक दलित, एक आदिवासी, एक मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं बोल पा रही है, आपको मैं आज जनता की बात बताता हूँ। एक डिबेट हो रही थी, वो कौन से पत्र प्रवक्ता हैं भाजपा के, जो तुतुलाते हैं गौरव भाटिया, उनका नाम ताड़िया होना चाहिए। उनसे लोग पूछ रहे हैं कि बिल्किस बानो को आरोपी को छोड़ना संस्कार है, तो करें आप लिखो, मुँह से आवाज़ नहीं निकल पा रही है, पब्लिक उनको चढ़ गई, बताओ। तो ऐसे हैं इनके यहाँ के लोग। और आज जनता से मैं कहना चाहूँगा कि अगर अपनी बहन बेटियों को जाना चाहते हो, तो भाजपा पार्टियों में जितनी महिला कार्यकर्ता है, पहले तो वो पार्टी छोड़ दे।